हेलो स्टूडेंट्स सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांस ट्रांसअर्बर लाइन के बारे में जिसमें हमने ठाणे से लेके नेरुल तक जितने भी है, वो हर स्टेशन पर कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कौन से ब्रांचेस कितने सीट्स अवेलेबल है वले वले, उसके बारे में डिस्कस किया था सो so, आज हम लोग सेंट्रल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मुंबई का सबसे बड़ा लाइन है सबसे बड़ा रेलवे लाइन है जो स्टार्ट होता है सी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और जो आगे जाके कल्याण जंक्शन पर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्स्ट कल्याण टू कसारा एंड सेकेंड कल्याण टू करजत तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा होने वाला है इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने वाले फर्स्ट पार्ट में हम लोग सी से लेके कल्याण जंक्शन जंक्शन तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में कल्याण टू कसारा एंड थर्ड पार्ट में कल्याण टू करजत सो so, स्टार्ट करते है मेरा नाम है अजित मोरे और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आरअेमी के यूट्यूब चैनल पर सी एस एम टी से हम लोग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं सो फर्स्ट स्टेशन है सीएसएमटी सेंट्रल लाइन का जहां पर एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल नहीं है फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है मस्जिद जहां पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स रोड नो इंजीनियरिंग कॉलेज नेक्स्ट आएगा बाइकला यस yes, बाइकला में आपको फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा एमएच साबू सिद्धि की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और वहाँ पर टोटल सेवन इंजीनियरिंग ब्रांचेस अवेलेबल है जिसमें मैकेनिकल कंप्यूटर ए आई एंड एम एल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी है सिविल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है और हर ब्रांच में सिक्सटी सीट्स अवेलेबल है नेक्स्ट बाइकला के बाद नेक्स्ट स्टेशन है चिंस पोखली जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल नहीं है अब चिंस पोखली के बाद नेक्स्ट आता है करी रोड जहाँ पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है नेक्स्ट आएगा परेल नो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड नेक्स्ट दादर अब दादर जो है वो सेंट्रल लाइन का इवन वेस्टर्न लाइन का भी सबसे मेन स्टेशन है इंपॉर्टेंट स्टेशन है लेकिन यहां पर भी एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल नहीं है सो so नेक्स्ट दादर के बाद है माटूंगा यस yes, माटूंगा स्टेशन के नजदीक सभी स्टूडेंट का मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज है जो है विजय टी वीर माता जीजाबाई टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इसमें टोटल नाइन इंजीनियरिंग ब्रांचेस है जिसमें सिविल है कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली है देन प्रोडक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल है देन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है और हर ब्रांच में सिक्सटी सीट्स अवेलेबल है अब ये कॉलेज जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट इवन मेरा भी ये ड्रीम कॉलेज था अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं मिला लेकिन ये सबका फेवरेट कॉलेज है जो कि माटुंगा स्टेशन पर है माटुंगा स्टेशन पर और एक इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिलेगा जो है आई सी टी दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इस कॉलेज में आपको केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ब्रांचेस मिलेंगे फर्स्ट ब्रांच है इसमें केमिकल इंजीनियरिंग 75 सीट्स है then fibers and textiles 34 seeds seats only next uh, dye stuff technology है only 18 seeds है then uh, pharmaceutical chemistry है 18 seeds है food engineering है oils then uh, polymer engineering है surface coating है मतलब थोड़े से हटके इंजीनियरिंग ब्रांचेस आपको इस कॉलेज में मिलेंगे और सभी के सभी ब्रांचेस जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है यहाँ पर आपको कंप्यूटर आईटी टी इलेक्ट्रिकल ये कॉमन ब्रांचेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है थोड़े से हटके ब्रांचेस यहाँ पर है और सीट्स भी बहुत कम है यहाँ पर सो so नेक्स्ट मार्टुंगा स्टेशन के बाद है साइन साइंस स्टेशन पर कॉलेज मिलेगा आपको के जे सोमया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई जो कि गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैक्सिमम पेरेंट्स के जे के बारे में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि के जे के दो कॉलेजेस है एक है साइन में और एक है विद्या विहार में सो so, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो साइन के कॉलेज के हम डिस्कस uh, कर रहे हैं और यहाँ पर टोटल फाइव ब्रांचेस है जिसमें एक कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ए आई एंड डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रिलेटेड ब्रांच है और हर ब्रांच में टोटल सिक्सटी सीट्स है देन नेक्स्ट कुरला नेक्स्ट स्टेशन है कुरला जो जहाँ पर डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि रोमन कैथलिक माइनॉरिटी कॉलेज है रोमन कैथलिक स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल है एंड ओनली फोर ब्रांचेस है इस कॉलेज में मैकेनिकल कंप्यूटर ई एक्स टी सी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकोम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें से मैकेनिकल में 120 ट्वेंटी सीट्स है और बाकी तीन ब्रांचेस में ओनली 60 सीट्स है next, के बाद आता है विद्याविहार यस yes, यहाँ पर और एक के जे सोमैया कॉलेज आपको मिलेगा के जे सोमया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये भी गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है और यहां पर टोटल फाइव इंजीनियरिंग ब्रांचेस है और हर ब्रांच में देखो वन ट्वेंटी सीट्स है करेक्ट मैक्सिमम सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ओके सो विद्या विहार में और एक कॉलेज है केजे जो साइन में और एक था नेक्स्ट विद्या विहार के बाद घाटकोपर स्टेशन जो है जहां पर एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल नहीं है घाटकोपर के बाद नेक्स्ट है विक्रोली यहाँ पर भी नहीं है विक्रोली के बाद नेक्स्ट है कांजुरमार्ग यहां पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है नेक्स्ट भांडुप नो कॉलेज मांडूप के बाद नेक्स्ट आएगा नाहूर यहाँ पर भी कॉलेज नहीं है देन नेक्स्ट मुलुंड नो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड नेक्स्ट है थाने अब थाने में टोटल तीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस है थाने स्टेशन के नज़दीक थाने रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो कि हमने ट्रांस हर्बर लाइन के जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था क्योंकि ट्रांस हर्बर लाइन एंड सेंट्रल लाइन थाने स्टेशन ये कॉमन स्टेशन है दोनों में सो so, इसके रिलेटेड जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है फिर से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ के कॉलेज जो कि थाने ईस्ट में है कोपरी एरिया में है पंजाबी माइनॉरिटी कॉलेज है थ्री ब्रांचेस है और सीट्स उसके सामने मैंने लिखा है देन नेक्स्ट के कॉलेज के साथ नेक्स्ट कॉलेज है ए पी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाने वेस्ट कासारा में है और उसमें जैन माइनॉरिटी कॉलेज है और उसमें टोटल सिक्स ब्रांचेस है सीट्स उसके सामने लिखे हैं एक्चुअली ये सब कॉलेजेस मैंने ट्रांसर्बर में भी एक्सप्लेन किए थे देन नेक्स्ट है न्यू हराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ठाणे वेस्ट वागविल रोड में है और वहां पर टोटल सिक्स इंजीनियरिंग ब्रांचेस है और कौन से ब्रांच में कितने सीट्स है वो मैंने यहाँ पर लिखा है सो so, आगे बढ़ते फिर थाने स्टेशन के आगे अगर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेशन है कलवा नो इंजीनियरिंग कॉलेज कलवा के बाद नेक्स्ट आएगा मुमरा मुमरा में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है हाँ लेकिन मुमरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है थाने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो मुमरा में है लेकिन यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं है देन नेक्स्ट मुम्बरा के बाद है दीवा यहां पर भी कॉलेज नहीं है नेक्स्ट कोपर नो इंजीनियरिंग कॉलेज नेक्स्ट डोम्बिवली यस डोम्बिवली में आपको शिवाजी राव जोंदड़े कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब इनके भी दो कॉलेजेस हैं एक डोंबिवली में है और एक आसन गांव में है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं सो so, डोंबिवली में जो कॉलेज है वहाँ पर टोटल सेवन ब्रांचेस हैं जिसमें मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स आई टी एंड एम देन नेक्स्ट केमिकल है एंड प्रोडक्शन है, है और कौन से ब्रांच में कितने सीट्स अवेलेबल है वो सब मैंने यहाँ पर मैंशन किया है सो so, डोंबिवली में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है जोदेवे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नेक्स्ट डोंबिवली के बाद आता है ठाकुरली ठाकुरली में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको नहीं मिलेगा एंड नेक्स्ट कल्याण जंक्शन कल्याण जंक्शन में इंदाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है स्टेशन से थोड़ा दूर है लेकिन वहां पर अगर आपको जाना है तो कल्याण स्टेशन से ही जाना पड़ेगा सो so, यहाँ पर टोटल फाइव इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है जिसमें मैकेनिकल कंप्यूटर मे इलेक्ट्रिकल आईटी एंड सिविल सब कोर ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल है कोर ब्रांचेस जो कि इलेक्ट्रिकल uh, होता है मैकेनिकल होता है नेक्स्ट तो यहां पर अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया देखो फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला था सी से लेके कल्याण जंक्शन तक अब सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में हम लोग कल्याण से लेके कसारा ये जर्नी uh, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सो so, कल्याण टू कसारा में कल्याण स्टेशन पर कौन सा कॉलेज है वो तो हमने डिस्कस किया है कल्याण के बाद जब हम लोग कसारा की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट अब बीच में बहुत सारे स्टेशन्स है लेकिन उसमें से मीन्स कल्याण के बाद टिटवाला है या फिर और भी बहुत सारे स्टेशन है लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है कल्याण के बाद डायरेक्ट आसनगांव करके जो स्टेशन है वहाँ पर आपको एस एस जोंदड़े जो कि डोंबिवली में भी था डोंबिवली इनका और एक ब्रांच था सो आसनगांव में शाहपुर करके जो एरिया है वहां पर ये कॉलेज है उसके लिए आपको आसन गाँव से ही जाना पड़ेगा और यहां पर टोटल फाइव इंजीनियरिंग ब्रांचेस है और कौन से ब्रांच में कितने सीट्स है वो सब यहां पर मैंने मैंशन किया है आसन गाँव में और एक कॉलेज है मीन्स तो आसन गांव स्टेशन उतरने के बाद शाहपुर से आगे जाने के बाद साबगा साबगांव करके एक एरिया है जहां पर जाना है तो आपको आसन गाँव से ही जाना पड़ेगा वहां पर और एक कॉलेज है अलमुरी रत्नमला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है हिंदी माइनॉरिटी और यहाँ पर टोटल सेवन इंजीनियरिंग ब्रांचेस है जिसमें मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है ए आई एम एल है सिविल इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कौन से ब्रांच में कितने सीट्स है वो सब मैंने यहाँ पर मैंशन किया है सो so, आसन गाँव स्टेशन पर आपको दो इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे एक जोंदड़े कॉलेज और एक आरमाइट कॉलेज देन नेक्स्ट आसन के आगे अगर आप लोग जाते हो तो नेक्स्ट स्टेशन है आडगांव जहां पर आत्मा मालिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहां पर टोटल फोर ब्रांचेस अवेलेबल है सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेल, टेली कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कितने सीट्स है वो भी मैंने यहां पर मेंशन किया है सो ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट जो कि कल्याण जंक्शन से लेके कसारा अब आठगांव के आगे जितने भी स्टेशन है वहां पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल नहीं है एंड लास्ट स्टेशन है कसारा वहां पर भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल नहीं है सो so, कल्याण से लेके कसारा यहां पर आपको सिर्फ आसनगांव एंड आडगांव ये दो स्टेशन पर ही इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा सो so, नेक्स्ट अब इस वीडियो का थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है कल्याण टू कर्जत सो so, कल्याण टू कर्जत थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कल्याण के बाद उल्लासनगर में वाटूमल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्चुअली ये जो कॉलेज था ये पहले वरली में था अब ये शिफ्ट हुआ है उल्लासनगर में एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है इसमें टोटल टू ब्रांचेस है ओनली टू ब्रांचेस है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली एंड नेक्स्ट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग और दोनों में 60 सिक्सटी सीट्स अवेलेबल है नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है उल्लासनगर के बाद बदलापुर बदलापुर में भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि स्टेशन से थोड़ा दूर है लेकिन नो प्रॉब्लम कॉलेज का बस फैसिलिटी अवेलेबल है मीन्स बदलापुर स्टेशन से लेके कॉलेज uh, तक आप लोग कॉलेज uh, वालों ने बस फैसिलिटी अवेलेबल किया है सो so, थोड़ा सा दूर है ये कॉलेज स्टेशन uh, से जहाँ पर फोर ब्रांचेस है सिविल कंप्यूटर सी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें ए आई एंड एम एल ये स्पेशलाइजेशन है देन नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कौन से ब्रांच में कितने सीट्स है है वो सब मैंने पर किया सो नेक्स्ट बदलापुर स्टेशन के बाद आता वांगनी वांगनी में बी आर हरने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जहां पर फोर ब्रांचेस है सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सभी ब्रांचेस में पर ब्रांच सिक्सटी सीट्स अवेलेबल है सो नेक्स्ट वांगनी के बाद नेक्स्ट स्टेशन है शेलू शेलू में जीवी आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये कॉलेज ये है और यहां पर फाइव ब्रांचेस है सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एंड ए आई एम इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और कितने सीट्स अवेलेबल है सबसे ज्यादा मैकेनिकल में वन सीट्स है ओके okay? और बाकी सभी ब्रांचेस में सिक्सटी सीट्स है सो so ये हो गया आपका शेलू शेलू के नेक्स्ट स्टेशन आता है नेरल नेरल अलग है नेरुल अलग है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं सो so, ये नेरल स्टेशन की बात हम लोग कर रहे हैं सो so, नेरल स्टेशन पर दिल कैप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज ये कॉलेज है जहां पर फोर ब्रांचेस है सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड ईच ब्रांच सिक्सटी सीट्स अवेलेबल है सो नेक्स्ट नेरल के बाद स्टेशन आता है भीवपुरी रोड व्यवपुरी रोड पर यादवराव तासगावकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट दैट इज वाई टी सी ई एम ये कॉलेज अवेलेबल है जहां पर टोटल सेवन ब्रांचेस है सेवन ब्रांचेस में से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ये तो कॉमन ब्रांच है सी एस सी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आई टी है इलेक्ट्रॉनिक साइंस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो बहुत ही कम कॉलेजेस में अवेलेबल है सो so वाई में ये ब्रांच अवेलेबल है बायोमेडिकल टोटल सिक्सटी सीट है सो नेक्स्ट रोड के बाद लास्ट स्टेशन लास्ट स्टेशन है करजत। करजत में कोकन कोकन ऑफ़ टोटल फाइव ब्रांचेस है ए आई एंड डेटा साइंस दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस नेक्स्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल एंड आई टी एंड पर ब्रांच सिक्सटी सीट्स अवेलेबल है सो so, ये जो थर्ड पार्ट था जो स्टार्ट किया था हमने कल्याण जंक्शन से और खत्म किया हमने करजत सो लास्ट स्टेशन पर के जी सी ये कॉलेज अवेलेबल है सो so, ये जो सेंट्रल लाइन है जो स्टार्ट हुआ था सी एस एम टी से फिर कल्याण जंक्शन पर आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ सभी स्टेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कौन से स्टेशन पर कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है ये सब हमने यहाँ पर डिटेल में देखा है अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मुझे रिप्लाई आया फर्स्ट वीडियो के बाद कि सर आपने ये जो ब्रांचेस uh, बताए या फिर उसके सीड्स बताए उसके साथ साथ अगर हमें कट ऑफ लिस्ट भी समझ पता चलता मीन्स लास्ट ईयर कितने uh, कितने नंबर पर ये कट हुआ था मीन्स एडमिशन क्लोज हुआ था तो देखो uh, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिस्ट देख के आप ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना चाहिए ऑप्शन फॉर्म कैसे भरेंगे हमारा ड्रीम कॉलेज जो है वो सबसे पहले डालेंगे अगर वहां पर नहीं लगा तो नेक्स्ट ड्रीम कॉलेज कौन सा है फिर उसके बाद कौन सा है फिर उसके बाद कौन सा है मतलब हमें ऐसे कॉलेजेस डालने हैं जहां पर एडमिशन मतलब मुझे लेना है अब एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब सिस्टम डिसाइड करने वाला है लेकिन मुझे वहां पर जाना है मतलब जैसे कि अगर मेरा स्कोर है फिफ्टी आउट ऑफ टू हंड्रेड मुझे सिर्फ पचास मार्क मिला है सीईटी में तो कॉलेज में एडमिशन मिलने का कोई चांस है नहीं है चांस लेकिन फिर भी मैं सबसे पहला ऑप्शन कौन सा डालूंगा विजेटीआई अगर वहां पर नहीं मिला तो नेक्स्ट कौन सा डालूंगा वहां पर अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट कौन सा डालूंगा सो हमारे ड्रीम कॉलेजेस जो है वो उस ऑप्शन फॉर्म में हमें डालना है और मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा जैसे कि एक करोड़ का लॉटरी है उस लॉटरी का अगर आप टिकट नहीं खरीदते हो तो आपको लॉटरी लगने का कोई चांस है बिल्कुल नहीं लेकिन अगर आप लोग टिकट खरीदते हो उस लॉटरी का टिकट खरीदते हो तो एटलीस्ट कुछ तो चांस बनता है तो चांस बनता है लॉटरी लगने का समझा तो इसका मतलब क्या ऑप्शन फॉर्म में अगर आप विजेडीआई कॉलेज डालोगे ही नहीं तो विजेडीआई कॉलेज आपको लगेगा कैसे तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है मुझे जो फेवरेट कॉलेजेस है मुझे जहां पर जाना है वो कॉलेजेस में उस ऑप्शन फॉर्म में डालूंगा अब वहां पर एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब सिस्टम डिसाइड करने वाला है ओके सो नेक्स्ट आर्केडमी यस आर्केडमी आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है आर्केडमी uh, के तीन ऑफिस है जो है थाने में है नेहरूल में है कल्याण में है थाने में थाने ईस्ट में है रेलवे स्टेशन के नजदीक है नेरुल में तो स्टेशन कॉम्प्लेक्स में ही आपको मिलेगा ये ऑफिस कल्याण में स्टेशन से रेलवे स्टेशन से हार्डली थर्टी सेकेंड वॉकिंग डिस्टेंस पर ये ऑफिस अवेलेबल है ओके सो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स आप, आप, आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो क्योंकि पेरेंट्स के भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं या फिर ये जो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया है इस कॉन्टेक्ट पर आप कभी भी कॉल करो आपको जो भी जरूरत है वो हम लोग कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की ओके सो थैंक यू वेरी मच